अंदर से विश्वास कर रहा है मोदी मोदी ना इनके घर आएंगे कहेंगे बबलू भाई नहीं तो आपकी सम्मान निधि नहीं बनाई हम बनवा रहे हैं अपना पर्चा दीजिए और 2000 आपके खाते पे भिजवा दिया जी अभी तो आते ही नहीं कम भ्रष्टाचार कम समस्या है दूर हो रही बीजेपी सरकार में और नहीं हो रहे हैं 500 वर्ष पुराना राम मंदिर में तमाम पैसा कमा लिया इस मोदी उसमें पैसा कोई नहीं कमाएगा वो ट्रस्ट का पैसा है पता कर लीजिए नहीं राम मंदिर में इतना जनता ने इतना सपोर्ट किया है कि सरकार का एक रुपया भी लगा नहीं है और खुद ही इतना फंड जमा कर चुकी है। अच्छा ऐसे वीडियो के स्टेटस में क्या उसके घर परिवार वाले नहीं देखते? क्यों नहीं देखते? तो क्या अपनी माँ बहनों को भी स्टेटस ये दिखाते हैं? नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं भैया? नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता और मौजूद हूँ बाराबंकी के गोसाईगंज तरफ से आने से पहला गाँव झींझा मऊ। और ये यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है और बाराबंकी के माहौल को यही छोटे माहौल में परखने की कोशिश करेंगे। भैया आपके क्षेत्र का माहौल क्या है? हमारे क्षेत्र का माहौल यही है सपा सरकार। सपा हाँ, यहाँ पर लगभग हमें लग रहा है कम से कम 20 साल हो गए हैं यहाँ का जो विधायक रहा है सपा का ही रहा है ना कि कोई दूसरा विधायक अभी यहाँ नहीं। हम विधायक की बात ही लेकर हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और इंडिया अलायंस हो चुका है जिसमें कांग्रेस और समाजवादी मालूम है ना? हाँ मालूम। ये खाता कांग्रेस के में गई है समाजवादी की नहीं है। अच्छा हाँ हाँ तो यहाँ पर तो यही रहेगा पीएल पुनिया ही। पीएल पुनिया आपको लगता है बीजेपी के काम में कार्यकाल में विकास हुआ है? हमें तो कुछ भी नहीं लगता है। मोदी को विकास में से दल में से कितने नंबर देंगे आप? जीरो। क्यों? क्यों हमें उनका नहीं अच्छा लगता है कुछ भी। अच्छा ये बताइए महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सारी सरकार इसी में है सब। नहीं नहीं मोदी सरकार में सारी चीजें हैं। मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचार मिटाना और हर घर नल। बहुत नल लगा है आपके यहाँ? हमारे वहाँ तो हमारा खुद का नल लगा हुआ है खुद का सीमेंट से भी लगा हुआ है। बीजेपी की कहा इसे अगर देखा जाए तो 5 साल पहले तो हम तो कुएं में पानी पी रहे थे। कुएं में इतना कम विकास हुआ? हाँ। इतना विकास हुआ बीजेपी की सरकार की रोडें खुद गई सारी। काहे के लिए? पानी के लिए। और पानी नहीं पहुंचा। पानी नहीं पहुंचा है। गांव की जितनी आरसीसी है सारी खुद ही पड़ी हुई है। अभी ईटा अच्छे से नहीं लगे हैं। आरसीसी लगवावा को रहा है? आरसीसी तो लगी रहा है पहले लगी रहा है। लगी रहा है काम संतुष्ट हो या नहीं? संतुष्ट भैया जीरो नंबर दे रहे हैं। यहाँ सांसद उपेंद्र है रावत उनके काम से कोई सांसदिक काम दिखा आपका? नहीं दिखा। तो गौरव रावत है अभी पर सांसद टिकट उपेंद्र रावत का मिला है ना? ज्यादा जानकारी के बारे में कमाई थे कितना रुपया दिया उसे आपकी नजर में बीजेपी काम में विकास हुआ है? आपका क्या लागत है महंगाई है? कोई महंगाई नहीं बहुत कम भ्रष्टाचार कम समस्या है दूर हो रही बीजेपी सरकार में और नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी से ही हमसे। अच्छा मोदी कोई काम गिरा सकते हो दो चार काम? मोदी सबसे बड़ा मुद्दा देखिए कितने सालों से चल 500 वर्ष पुराना राम मंदिर में तमाम पैसा कमा लिया इस मोदी उसमें पैसा कोई नहीं कमाएगा वो ट्रस्ट का पैसा है पता कर लीजिए। नहीं वो आपको लगता है कि राम मंदिर बना उसमें मोदी जी ने पैसा लगाया सरकार का लगा? उसमें पैसा एक रुपया नहीं लगा उसमें तो जनता का पैसा लगा। राम मंदिर से सरकार को पैसा फायदा होगा? हम बताते हैं राम मंदिर में देखो राम मंदिर में इतना जनता ने इतना सपोर्ट किया है कि सरकार का एक रुपया भी लगा नहीं है और खुद ही इतना फंड जमा कर चुकी है जनता। अच्छा, राम मंदिर से जनता को रोजगार मिल जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। टूरिज्म नहीं आएगा? टूरिज्म नहीं आएगा। क्या आएगा वहाँ पर? आसपास लोग आएंगे? आसपास लोग आएंगे। हाँ। तो वहाँ अयोध्या में क्या देखिए जो पहले मोदी के जो जितने सारे सपोर्टर हैं जितनी होटलें बनी हुई हैं उसमें उन्हीं के आदमी है ना कि कोई बेरोजगार उसमें गया हुआ है। देखिए सब पहले से हो जाएगा। मान लीजिए कितनी वैकेंसी निकली थी अभी 60 लाख 60,000 हाँ आए और परीक्षा ही रद्द हो गई। ए आर ओ है 12 तारीख को ARO परीक्षा रद्द हो गई भैया वो फिर से होने वाली है कुछ दिनों। अच्छा ये आप बीजेपी के सपोर्टर आपकी सरकार में परीक्षा का आयोजन हो रहा है? कार्य बता रहे सपोर्टर नहीं होता है किसी का ठीक है? नहीं नहीं उधर सवाल बता रहे। अच्छा ठीक है आपको विकास नजर आता है बीजेपी का? विकास में से आप मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 8 10 में से 8 2 नंबर का है कार्ड लिए 2 नंबर बस थोड़ा जैसे इन तीन के गाँव में नहीं पहुँच पाए उसलिए कट गया भाई। अच्छा मेन मुद्दा है ये पहले के शासन और आपके मोदी जी के गारंटी में क्या फर्क आपको लगता है? सीना तान के चल सकते
गुंडागर्दी तो कोई खा पहले देखिए कितने रेप मिर्जापुर जानते होंगे कितने लड़ाई हिम्मत ही नहीं पड़ती। अच्छा जहाँ पर है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सांसदी फंड आता है, विकास हुआ है यहाँ? हम देखो रहने वाले यहाँ के नहीं, हम तो उधर साइड के रहने अभी गांव वाले। अरे बाराबंकी के तो है ना रहने वाले? वो तो है। बाराबंकी में विकास हुआ है नहीं हुआ है? बाराबंकी में हुआ मगर कुछ क्षेत्रों में, कुछ मतलब क्षेत्रवादिता की हो, क्षेत्रवादिता की। ये तो गलत बात है ना, बहुत लोकतंत्र तो हर कोई बराबर है ना। सब सब नेता सही नहीं होते, बताए जानते हो ना राजनीति कैसी होती रहती है। आपका कहाँ नजर आता है महंगाई? महंगाई है तो घर पर भी आओ। पहले और अम्मा पहले जो है 50 रुपया लीटर पेट्रोल। विकास उकास? विकास कोई नहीं हुआ, विकास कौन सा विकास? मोदी जी के काम से संतुष्ट है नहीं? 10 साल में आपको लगता है मोदी जी ने रोजगार दे दिया, बेरोजगारी दूर कर दिया? रोजगार कर दिया, रोजगार कर दिया, दुनिया में देश का नाम, दुनिया में देश का नाम ऊंचा कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया। भैया तो बता, राम मंदिर बनवाने से बताओ कितने लोगों को खाना मिलेगा, कितने लोग उसमें फ्री राशन दे रहे 5-5 किलो, फ्री राशन दे रहे 5-5 किलो। हमका नहीं मिला राशन, हमको नहीं मिलता है, नहीं मिलता। हाँ राशन, वो राशन कार्ड था उसको जमा करवा लिया। काहे के लिए? अरे घर में नौकरी है इसलिए। अरे नौकरी तो नौकरी, सम्मान निधि मिलती नहीं मिलती है? अरे वो तो सम्मान निधि किसान सम्मान निधि मिलता है? अभी बनवाया ही नहीं गया वो तो आपकी कमी, काहे नहीं बनवाया? नहीं बनवाया गया। आप सच्चा मैं स्वयं मोदी जी इनके घर आएंगे कहेंगे बबलू भाई नहीं तो आपकी सम्मान निधि नहीं बनाई, हम बनवा रहे हैं, अपना पर्चा दीजिए और 2000 आपके खाते पे भिजवा दिया। नहीं अभी तो आती ही नहीं, मतलब पापा ने बनवाया ही नहीं, हम भी लोग नहीं गए, मतलब बाकी दादा का, बड़े दादा हैं उनका आता है। अरे वो सब छोड़ दो, ये बताओ कि तुमको क्षेत्र में गुंडागर्दी वगैरह दिखती है नहीं दिखती है? गुंडागर्दी अपने काम की नहीं पूछते, गुंडागर्दी। अच्छा भ्रष्टाचार है या नहीं है? जनता आपको देख रही है, आपको बताएगी ना, हम क्या बताए आपके क्षेत्र की समस्या है? हमारे क्षेत्र समस्या ही समस्या है, कोई दो चार समस्या, सारी समस्या है। अभी तो आप बता रहे हो उपेंद्र रावत वाला, ये क्या मामला है? इंटरनेट चालू करो, जहाँ फेसबुक चालू करो, सारी चीजें यही दिखाता है। ये लोग हर आदमी के पास भेज कैसे दे रहे हैं? आपके पास पहुँच गया है क्या चीज? आपके गांव में लगभग कितने लोगों के पास होगा क्या चीज? यही वीडियो वगैरह? वीडियो तो होगा, अभी आप अपना फोन चालू करिए, फेसबुक चालू करिए, अभी आ जाएगा तुरंत, नहीं तो कम से कम 10 लोगों ने स्टोरी लगा रखी होगी, हमारे फोन पे खुद लगा रखी है। अच्छा ऐसे वीडियो को स्टेटस में क्या उसके घर परिवार वाले नहीं देखते? क्यों नहीं देखते? तो क्या अपनी माँ बहनों को भी स्टेटस ये दिखाते हैं? नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं भैया? नहीं स्टेटस नहीं, आप क्या कहना, नहीं नहीं उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वीडियो में क्या था देखे थे? वीडियो में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, 5 मिनट की वही रिकॉर्डिंग थी, किसी से बात कर रहे थे, बस यही सुना हमने। अच्छा रिकॉर्डिंग वाले? हाँ चलिए, बहुत से वीडियो वायरल है उनपे बात करते। भैया आपको दिखता है विकास उकास? नहीं, मोदी जी के काम से आप संतुष्ट हैं? मैं और अम्मा बस एक ही काम का मर्को कोई और कोई है? ये यहाँ लोगों की राय थी, किसी का किसी की नजरिए में विकास हुआ है तो किसी की नजरिए में कुछ नहीं। यहाँ पर शुरू में आते ही लोगों ने जब गोमती के पुल पर थे कहा था ये गांव यादवों का है, क्या माहौल कुछ होगा, हालांकि माहौल लोगों ने जो बताया वो जमीनी हकीकत पे बिल्कुल वाजिब बैठता है। बाकी कितना विकास हुआ अब अपने आसपास देखिएगा, और भ्रष्टाचार बेरोजगारी और महंगाई को महसूस करिएगा, जैसा आपके पास दिख रहा होगा वैसा यहाँ का भी माहौल है।